दूसरा भारत और ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स टीम के बीच T20 सीरीज का पहला T20 मुकाबला खेला गया। ये मैच बेहद ही रोमांचक देखने को मिला, जहां इस मैच में दोनों ही टीम्स के बीच कड़ी टक्कर भी देखने को मिली। तो ऐसे आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के पहले T20 का पूरा रोमांचक हाईलाइट। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले अगर आप भी वुमेन्स टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जैसे कि आप और हम सभी जानते हैं कि इस समय ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स टीम भारत के दौरे पर आई हुई है, जहां इस दौरे पर पहले टेस्ट और वनडे सीरीज खेली जा चुकी है और अब बारी थी T20 सीरीज की, जिसका इंतजार सभी को काफी बेसब्री से था। वहीं T20 सीरीज का पहला T20 आज मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला गया। सभी को उम्मीद थी कि दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों ही टीमों में काफी बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद थे। बता दें कि इस मैच की शुरुआत हुई भारत के टॉस जीतने के साथ में, जहां भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए ऑस्ट्रेलिया की ओर से कप्तान एलिस हेली और बैट मुनी पारी की शुरुआत करने मैदान पर आए। इन दोनों पर ऑस्ट्रेलिया को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। वहीं दोनों ने शुरू में संभल कर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। वहीं भारत ने भी शुरू के दो ओवरों में सिर्फ 15 रन दिए, लेकिन तीसरी ओवर में बैट मुनी ने एक छक्का और एक चौका लगाकर ओवर से टोटल 11 रन बटोर लिए और ऑस्ट्रेलिया को भी एक बेहतरीन शुरुआत दिला दी। लेकिन चौथे ओवर में टाइटस साधु ने खतरनाक दिख रहे बैट मुनी को आउट कर दिया और भारत को पहली बड़ी सफलता दिला दी। जहां आपको बता दें कि मुनी ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 18 गेंदों पर 70 रन बनाए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए ताहिला मेगरात। जी हाँ दोस्तों, लेकिन पांचवी ओवर में रेणुका सिंह ने कप्तान एलिसा हेली को आउट करके ऑस्ट्रेलिया को भी तगड़ा झटका दिया। यहां आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के लिए हेली ने सिर्फ 8 रन बनाए, जिसके बाद पावर प्ले के अंतिम ओवर में टाइटस साधु ने ऑस्ट्रेलिया को दो बड़े झटके दे दिए। जी हाँ दोस्तों, पहले तो इस ओवर की पांचवी गेंद पर साधु ने मेघराज को आउट किया और यहाँ आपको बता दें कि मेघराज अपना खाता भी नहीं खोल पाई, जिसके बाद अगली ही गेंद पर साधु ने गार्टनर को भी आउट कर दिया और ऑस्ट्रेलिया को पावर प्ले में ही चौथा झटका दे दिया। और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने पावर प्ले समाप्त होने तक 33 रन बनाए और यहाँ पर बड़े 4 विकेट गंवा दिए। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रीज पर थी एलिस पेरी और लीच फील्ड। जी हाँ दोस्तों, दोनों पर ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी थी, जिसके बाद इन दोनों ने शुरू में सिंगल डबल से ऑस्ट्रेलिया की पारी को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। हालांकि भारतीय गेंदबाज भी काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, जिसके चलते ये दोनों सिंगल डबल से ऑस्ट्रेलिया की पारी को आगे ले जा रही थी, जहां 9वें ओवर में इन दोनों ने ऑस्ट्रेलिया को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन 10वें ओवर में लीच फील्ड ने पूजा वस्त्राकर के खिलाफ अपने हाथ खोले। जी हाँ दोस्तों, इस ओवर में लीच फील्ड ने 2 छक्के और 1 चौका जड़ दिया, ओवर से टोटल 19 रन निकले और इसके बाद लीच फील्ड नहीं रुकी और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जारी रखी। वहीं पर पेरी भी उनका अच्छा खासा साथ दे रही थी और ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को आगे बढ़ा रही थी। वहीं 12वें ओवर में इन दोनों ने अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी कर ली, जिसके बाद 13वें ओवर में लीच फील्ड ने बैक टू बैक 2 छक्के लगाकर ऑस्ट्रेलिया को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन 15वें ओवर में अमनजोत कौर ने खतरनाक दिख रही लीच फील्ड को आउट कर दिया। जी हां, आपको बता दें कि लीच फील्ड ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 32 गेंदों पर 49 रन बनाए। इसके बाद में बल्लेबाजी करने आई ग्रेस हैरिस भी कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाई और 1 रन बनाकर श्रियांका पाटिल का शिकार बन गई। और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आई सदरलैंड, जिसके बाद सदरलैंड और पेरी ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की पारी को आगे बढ़ाया, जहां सदरलैंड ने कुछ बड़े शॉट भी खेले। लेकिन 18वें ओवर में टाइटस साधु ने सदरलैंड को आउट कर दिया, जहां सदरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 12 रन बनाए, जिसके बाद में ऑस्ट्रेलिया की टीम की पारी संभल नहीं पाई और भारत ने एक एक करते ऑस्ट्रेलिया के सभी बल्लेबाजों को आउट कर दिया और ऑस्ट्रेलिया की पूरी की टीम को ऑल आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने 6 रनों के अंदर ही अपने 3 विकेट गंवा दिए और इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम सिर्फ 141 रन पर ही पूरी तरह से थम गई। एलिस पेरी ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 30 गेंदों पर 37 रन बनाए। वहीं भारत के लिए टाइटस साधु ने सबसे ज्यादा 4 विकेट हासिल किए। इसके अलावा श्रियांका पाटिल और दीप्ति शर्मा को भी 2-2 विकेट हासिल हुए और अब भारत के सामने जीत के लिए मात्र 142 रन का लक्ष्य था। इसके बाद में भारत की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर आई, जहां भारत के लिए स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा पारी की शुरुआत करने मैदान पर आते हैं। इन दोनों पर भारत को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया को जल्दी से जल्दी विकेट लेने की जरूरत थी।
जिसके बाद शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना ने शुरू में संभल कर बल्लेबाजी की और धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने पहली ओवर में 14 रन दे दिए और सभी रन एक्स्ट्रा थे, लेकिन स्मृति मंदाना भी काफी दबाव में नजर आ रही थी और वो बड़े शॉट आसानी से नहीं लगा पा रही थी। लेकिन दूसरी ओर खड़ी शेफाली वर्मा काफी अच्छी लय में नजर आ रही थी, जिसके बाद में तीसरे ओवर में मंदाना ने भी अपने हाथ खोल दिया और एक बेहतरीन गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और इस तरह से पहले तीन ओवर में ही भारत की टीम ने 29 रन बना लिए। लेकिन उसके बाद में शेफाली वर्मा ने अपने गियर बदले और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। जी हां दोस्तों, शेफाली काफी अच्छी लय में नजर आ रही थी, जहां शेफाली ने चौथे ओवर में 2 चौके जड़े, जिसके बाद पांचवें ओवर में भी शेफाली और मंदाना दोनों ने एक एक चौका जड़ दिया। अरबी साझेदारी ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी खतरनाक दिखाई दे रही थी, क्योंकि रन तेजी से आ रहे थे। वहीं उसके बाद पावर प्ले के अंतिम ओवर में शेफाली ने एक छक्का लगाया और स्मृति ने एक चौका लगाकर पहले विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली और इस तरीके से पहले पावर प्ले में भारत की टीम ने 59 रन बनाए और वो भी कोई बिना विकेट गंवाए। और अब ऑस्ट्रेलिया की टीम को विकेट लेने की जरूरत थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को मैच में बनी रहना था तो विकेट लेने की बेहद जरूरत थी। वहीं पावर प्ले के बाद भी ये दोनों बल्लेबाज बिल्कुल नहीं रुके, जहां ये दोनों सिंगल डबल से तो पारी को आगे बढ़ा ही रहे थे, वहीं खराब गेंद मिलने पर भी दोनों उसका बखूबी फायदा उठाकर अपना अच्छा खासा बाउंड्री में कन्वर्ट कर रहे थे। इन दोनों के बीच काफी अच्छा तालमेल दिखाई दे रहा था, जिसके बाद चलते दबाव पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया पर साफ तौर पर नजर आने लगा था। वहीं आज लग भी भारत की ओर बिल्कुल साथ दे रहा था। जी हाँ, आपको बता दें कि 10वें ओवर समाप्त होने तक मंदाना और शेफाली ने भारत की टीम के स्कोर को 86 रनों तक पहुंचा दिया, वो भी बिना कोई विकेट गंवाए। और अब लगभग ये मैच भारत के पक्ष में जा चुका था, क्योंकि अब अंतिम 10 ओवर में भारत की टीम को सिर्फ और सिर्फ 56 रनों की जरूरत थी, जो कि काफी आसानी से नजर आ रहा था। वहीं फैंस भी भारत की इस बल्लेबाजी का काफी लुत्फ उठा रहे थे, जहां भारत के दोनों बल्लेबाज काफी तेजी से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। वहीं 12वें ओवर में तो शेफाली और मंदाना ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। जी हां दोस्तों, इस ओवर में पहले तो शेफाली ने एक छक्का और एक चौका लगाकर भारत की टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया, जिसके बाद अगली गेंद पर सिंगल लेकर शेफाली ने अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली और वो भी मात्र 31 गेंदों का सामना करते हुए। जिसके बाद ओवर की लास्ट गेंद पर स्मृति ने चौका लगाकर अपना एक ओवर कदम 50 की ओर बढ़ा दिया, जिसके बाद 15वें ओवर में स्मृति मंदाना ने अपनी 50 भी पूरी कर ली। लेकिन 16वें ओवर में स्मृति को वेहरम ने आउट कर दिया, जहां आपको बता दें कि स्मृति मंदाना 54 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन उसके बाद में बल्लेबाजी करने आई जेमिमा रोड्रिग्स ने चौका लगाकर भारत की टीम को 9 विकेट से जीत दिला दी। वहीं भारत के लिए शेफाली वर्मा ने 64 रन बनाए। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की जीत का हीरो कौन है, अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।